हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं और अनबॉक्सिंग करेंगे MI Band 5 का। जैसा कि देखिए यहाँ पे पूरा बॉक्सिंग के साथ एंड ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे दिया हुआ है एमोलेड कलर टच स्क्रीन के साथ फुल। बाकी यहाँ पे कुछ इसके डिटेल्स दिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह और कहाँ से कब का बना है, ये सारे ओरिजिन वगैरह चाइना का यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे रियल हार्ट रेट मॉनिटर, वाटरप्रूफ अप टू 50 मीटर, मैग्नेटिक चार्जिंग है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि बॉक्स में क्या क्या है। ये है हमारा वॉच और ये है उसकी USB। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे MI ब्रांडिंग, इसमें ब्रांडिंग दिया हुआ है MI का। ये मैग्नेटिक है और ये है यूज़र मैनुअल जो कि शायद कोई नहीं पढ़ता। बाकी और कुछ बॉक्स में नहीं है। ये है हमारा वॉच। जब हमने इसको लिया था तो ये ऑफ था, हमने कुछ परसेंट इसमें चार्ज कर लिया है तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 36%। आप देख सकते हैं 36% यहाँ पे चार्ज हो गया है। बाकी हमारा जो स्क्रीन है 1.1 इंच का है, काफ़ी बड़ी है। बैंड साइज़ में अगर देखें तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। बाकी यहाँ पे स्टेटस वगैरह दिया है, इसमें हार्ट रेट का दिया है, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है और देखते हैं, हमने तो पहन नहीं रखा, देखते हैं बताता है या नहीं बताता है। सेवन बता रहा है, आई थिंक ये शायद काम नहीं कर रहा होगा, मुझे लग रहा है जैसे 100 बाजी में दिया हुआ होगा। क्योंकि जब हमने पहना नहीं था, बताना नहीं चाहिए ये चीज़। हम फिर से चेक करते हैं एक बारी। भी मेजर नहीं किया, एक बार फिर ट्राई करते हैं। यहाँ हमने पहना भी नहीं है, फिर भी बता रहा है, पता नहीं क्या इसका फंक्शन है, किस तरह ये वर्क करता है, ऐसे तो नहीं बताना चाहिए। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आता है, ये ब्रीथिंग का है, ये यहाँ पे भी बताता है सांस लेने के लिए, मतलब इनहेल इवेंट का, वेदर का, वर्कआउट का, वर्कआउट में लेकर काफ़ी सारे मोड्स हैं, आउटडोर रनिंग है, ट्रेडमिल का है, साइकिलिंग का है, इंडोर साइकिलिंग का है, वॉकिंग का है, काफ़ी सारा यहाँ पे दिया हुआ, योगा वगैरह हर सा काफ़ी सारी चीज़ इसमें ऐड किया है इस बारी। बाकी बैंड वगैरह अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें स्ट्रिप की, तो काफ़ी बढ़िया है, फोर्थ की तरह है, फोर स्ट्रिप मटेरियल भी अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है और
धूप में अगर बात करें तो इसकी स्क्रीन भी अच्छा हुआ करता है, प्रॉपर दिखता है, विजिबल होता है। और इसके फेसेस की बात करें, देखते हैं एक बार इसमें, म्यूजिक कंट्रोल का है यहाँ पे, अभी हमने कनेक्ट नहीं कराया फोन से, यहाँ पे ओके नहीं दिखा रहा है। अब देख रहे हैं आप कैमरा मोड है, अभी फोन से कनेक्ट नहीं है, म्यूजिक मोड है, फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है, काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। फैन डिस्प्ले सेटिंग, सेटिंग में जाएंगे, स्क्रीन का दिया है यहाँ पे, एक्चुअल रिसेट, रेगुलर, अबाउट, स्क्रीन ऑन ऑफ, कितने सेकंड में करना है, वो चीज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ हम डिफॉल्ट पे करेंगे, ब्राइटनेस का दिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो ओवरऑल फंक्शन अच्छा है, और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो 7 to 8 days इसका बैटरी बैकअप है, जैसे कंपनी क्लेम करता है 2 week का, 14 week 14 दिन का, बट ऐसा नहीं है, फिर भी अगर आप यूज़ करते हैं अच्छा खासा, बाकी सब है, हाँ 7 से 8 दिन चलता है। तो यही रहा आज की वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।